उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैनपुरी पर जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव सही ढंग से नहीं करवाए गए, उस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी से मैं आप TV9 भारतवर्ष के माध्यम से एक सवाल कर रहा हूं कि वह पहले बताएं कि कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव, जब वह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो वह निर्विरोध कैसे निर्वाचित हो गई थी उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी? अगर उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया था तभी वह निर्विरोध निर्वाचित हुई, क्योंकि जिन लोगों ने नाम वापस लिया धमकी के बल पर, उन्होंने नाम वापस लिया डर करके, जो नहीं वापस लिए उनके पर्चे खारिज कराए गए। भाजपा ने तो कहीं ऐसा नहीं है कि चुनाव ना हो, चुनाव हो, वोट डालें लोग, उसके आधार पर जीते। तो रामपुर में भी कहा कि कम वोटिंग हुई, इसका कारण भी उन्होंने भाजपा को दोषी ठहरा दिया। प्रश्नों का एक उत्तर है मेरे पास, सत्ता का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब किया है, भाजपा सत्ता में रहकर कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती। निष्पक्ष चुनाव होगा, सपा कभी नहीं जीत सकती। गुंडागर्दी करके, बूथ कब्जा करके, अपराधी गुंडों माफियाओं का की मदद लेकर के ही जीत सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, ये आज जिस तरीके से सपा के विधायक ने फेसबुक लाइव किया, उसके बाद कार्रवाई की गई, आपको नहीं लगता कि आप MLA हैं, पढ़ लिख के यहाँ पे आए, तो इस तरीके से क्या ये आचरण, क्या ये सही है? विधानसभा अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है, जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने कार्रवाई की है, लेकिन हंगामा खड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें जनता की सेवा करें, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, और जो गुंडई और दंगा करने वालों के बल पर चुनाव लड़ते हैं उनको आने वाले समय में, अभी तो झांकी है, अभी उनको तो समाप्तवादी पार्टी बनना बाकी है। सर, बेटियों पे हमेशा से गर्व रहा है, सर बेटियों पे हमेशा से गर्व रहा है सबको। लालू की बेटी ने आज मिसाल की है, अपनी फादर को किडनी दी है, इसको आप अप्रिशिएट नहीं? निश्चित तौर से ऐसी बेटी जो अपने पिता के लिए अपनी किडनी देने का काम किया, या लीवर का मैं नहीं जानता कोई उन्होंने दिया है एक बेटी के रूप में अपने पिता के लिए, वो बेटी अभिनंदन। शुक्रिया सर TV9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ कहना था कि भाजपा इस तरीके का कुछ भी काम नहीं करती है, ये तो निष्पक्ष चुनाव भाजपा ने करवाए हैं। कैमरा पर्सन शैलेन पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9।